सबसे हैरान करने वाली फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप की हत्या करना चाहती थी ज़ेलेंस्की सरकार। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप पर जानलेवा हमले के पीछे की बड़ी खबर। यूक्रेन के विरोधी लीडर विक्टर मेदवेचुक का सनसनीखेज दावा, ट्रंप को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप को भेजे खत में मेदवेचुक ने जताई आशंका। इस खबर का अपर ग्रोपो लीजिएगा और इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, ट्रंप की हत्या की साजिश रचा था की बड़ी खबर। यूक्रेन के लीडर विक्टर मेदवेचुक ने ट्रंप को खत भेजकर आगाह किया है, बड़ी खबर। ट्रंप की हत्या की साजिश रचा है, रच रही थी ज़ेलेंस्की सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ट्रंप के पर हुए हमले के पीछे हो सकता है कीव का हाथ, बड़ी खबर। मेदवेचुक का दावा, ट्रंप के युद्ध रोकने की कोशिश इसकी वजह है, इस वक्त की बड़ी खबर। मेदवेचुक का दावा, युद्ध की वजह से हथियारों की डील करने वाले करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं हत्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन हिलाइएगा नहीं। युद्ध की वजह से हथियारों की डील करने करने वाले कराना चाहते हैं ट्रंप की हत्या। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और CIA का कोई नेक्सस है क्या, ये इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। लेकिन ट्रंप पर हमले का कीव कनेक्शन जो है वो दिखाइए जरा। मेदवेचुक का दावा है, वजह नंबर वन, ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकना चाहते हैं। नंबर टू, युद्ध के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले दुश्मन। वजह नंबर तीन, हथियारों की डील से करोड़ों कमाने वाले दुश्मन। वजह नंबर चार, युद्ध रुका तो जा सकती है ज़ेलेंस्की सरकार। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप की बल्कि ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप की हत्या की साजिश रचा ईरान, ब्रेकिंग और शॉर्ट। कासिम सुलेमानी वाला बदला, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप पर हमले के पीछे ईरानी साजिश की पड़ताल, ब्रेकिंग और शॉर्ट। विजय वो पहले वाला शॉट लगाइएगा जो अटैक वाला था स्पीच के दौरान। हमलावर मैथ्यू के ईरानी कनेक्शन की हो रही है जांच। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन का दावा, ईरानी साजिश की खुफिया इनपुट मिले थे, फिर क्यों बैठे हुए थे? अगर मिले थे तो क्यों बैठे हुए थे? सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ट्रंप पर हमला, ईरानी साजिश, सीक्रेट सर्विस को ईरानी साजिश की जानकारी मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, इनपुट मिले कि ईरान ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। ईरानी कमांडर सुलेमानी की हत्या के तार ट्रंप हमले से जोड़े जा रहे हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले का ईरानी कनेक्शन तलाश रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से ईरान में यह साजिश रची जा रही है। मनीष, इट्स ऑल योर्स, क्या लग रहा है, यूक्रेन या ईरान? देखिए, साफ तौर पर है कि मेदवेचुक एक बेहद गंभीर किस्म के नेता हैं। ऐसा नहीं कि वो फालतू की बयानबाजी करते हैं। यूक्रेन के वो 2 साल तक राष्ट्रपति भी रहे थे और उन्होंने ट्रंप को खत लिखकर ये कहा है कि आप पर हुए हमले के लिए आप ज़ेलेंस्की पर भी एक बार शक करिए, क्योंकि सबसे अधिक जो लूजर होगा अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ज़ेलेंस्की होगा, तो और ज़ेलेंस्की ऐसा करवा सकते हैं। चूंकि ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में आज की तारीख में जो रिजीम है वॉशिंगटन में, चूंकि जो डीप स्टेट है वो साथ में उनके है, तो वैसे में जो सीक्रेट सर्विस का रोल है उसे देखकर तो एक बार ये लगता है। वहीं ईरान की बात करें तो देखिए, ईरान को लेकर मुझे लगता है कि अमेरिकन डीप स्टेट अभी वेक द डॉग वाली फार्मूला पर चल रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि ईरान का इसमें हाथ हो सकता है। एक किताब थी मनीष, वो किताब अब मार्केट में शायद ना मिलती हो क्योंकि उसके अलग अलग वर्जन आ गए, लेकिन वो किताब नहीं, उसका नाम है अलकायदा। और उस किताब में लिखा था कि अमेरिका में जो भी कुछ गड़बड़ होती थी सब अलकायदा के नाम पर उसका पर्ची फाड़ दी जाती थी, और अलकायदा एक्चुअली होता नहीं था। ये उस किताब का मर्म था, इसीलिए शायद उसको बैन कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर, ट्रंप पर हमले में नहीं है ईरान का हाथ, ट्रंप की हत्या नहीं करना चाहता ईरान, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ईरान के हमले में शामिल होने के आरोप गलत, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रवक्ता का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट।